गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और सामने है मेरा एक लेक जहाँ पे मैं रुका था। टेंट को जल्दी जल्दी उठाते हैं और चलते हैं फिर हम लोग दूसरे डेस्टिनेशन पे। तो भाई यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो मार्केट्स है यही पूरा घूमेंगे। और यहाँ पे ऐसे कुछ देखने का लायक चीज़ है नहीं। जो वाटरफॉल्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो उतना दूर जा नहीं सकता मैं, क्योंकि जानते ही हो उधर वैसे भी गाड़ियाँ नहीं चलता है, लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं उधर नहीं जा रहा हूँ और सामने से गेट है, यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे जो मार्केट्स है वो घूम के फिर हम निकल जाएंगे बादामी के लिए। ये जो पार्क था ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, तो रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट बेंगलोर में तो ऐसे नहीं रह सकता भाई, उठा के फेंक देंगे। हालांकि यहाँ पे सुबह सुबह भाई बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि आज मंडे है। कल संडे था तो उतना ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिला। थैंक यू आंटी। और यहाँ पे कर्नाटका का विधानसभा जो है उसका कॉपी यहाँ पे बनाया गया बेलगाम में, तो वो मैंने जब रास्ते में आ रहा था तभी देखा था। उसको नाम दे बोलते हैं सवर्ण सुधा। तो ये रास्ता वो सिटी के अंदर घुस रहा है, मुझे जाना है बादामी का हाईवे पकड़ना है। मैंने सोचा था कि बाहर से ही देख लेंगे थोड़ा सिटी को और चले जाएंगे, क्योंकि अंदर है इतना कुछ है नहीं, वही दुकान है, वही सब कुछ बिल्डिंग्स, बस सिटी में और क्या होता है, जो भी होता है सिटी के बाहर ऑलमोस्ट होता है। हालांकि जिस एरिया पर मैं हूँ ऑलमोस्ट ये सिटी का बाहर ही बोला जाता है। क्या हुआ? ये कुछ ऐसा बस्ती है भाई जहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं, और सामने तो हाईवे दिखाई दे रहा है, शायद वही होगा भाई। लोग तो ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि यार क्या क्या जा रहा है ये, मैं बम लेके जा रहा हूँ, बम। क्या हो ना, ब्लॉग बना रहे हो? ब्लॉग बना रहे हो? वेस्ट बंगाल। थैंक यू भाई, ऐसे लोग पूछते हैं तो यार कभी कभी डर भी लगता है, बट क्या कर सकते हैं, इतना दो बड़ा बड़ा बैग लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई पूछेंगे। और पीछे पोस्टर लगाए हैं, पहुँच चुके हैं हाईवे, यहाँ से लिफ्ट डायरेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर है बादामी, और बादामी घूम के आज ही मुझे फिर पड़तकल वहाँ पे घूम के बीजापुर के लिए निकल जाना है, और वहाँ से बीजापुर है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, तो जल्दी जल्दी ट्रैवल करना है मुझे क्योंकि टाइम भी मेरे पास ज़्यादा है नहीं। फिर हम्पी में कम से कम 3 से 4 दिन रुकना है, क्योंकि अगली बार जब गया था तो वहाँ पे 3 दिन रुका था तो फिर भी कम हो गया था, तो इस बार कुछ ज़्यादा दिन रुकेंगे वहाँ पे और पूरा हम्पी एक ही बार में कंप्लीट करेंगे। बादामी का हाईवे बादामी जाने का नहीं, लिफ्ट लेके जाता हूँ मैं।
कौन सा हाईवे कौन सा है बादामी का? बादामी है ऊपर है ना, ऊपर है क्या? कोई बोल रहा है इधर है भाई। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं बादामी हाईवे। भाई अपना बोर्ड निकाल लिया हूं, अभी देखते हैं कि लिफ्ट देते कि नहीं, क्योंकि यहां पे तो बहुत सारे ट्रक्स ऐसे खड़े हैं। पूछा तो यार कोई बोल रहा है कि लेट से मिल लेंगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आगे देखते हैं, अगर इधर हो जाएगा तो जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर थोड़ा आगे निकलते हैं यार, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ है भाई। अभी 10 बज रहे हैं और धूप यार सर के ऊपर लग रहा है पूरा। आज का पहला लिफ्ट तो बहुत देर के बाद मिला। भैया ने तो यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ से फिर से हमें वही काम करना है पहुँचने के लिए। और बाल कैसा हो रहा है यार? एक भाई ने बाइक रोका है, रुको यार जल्दी जल्दी चलते हैं। भैया बादाम ही जाना है मुझे, बट आप कितना दूर चल सकते हैं? मैं सामरे पर जा रहा हूँ। ओके थैंक यू भाई। सन्ना ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ से स्टार्ट होता है आर्मी कैंप, तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं कर सकता। तो भाई ऑलमोस्ट ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹೆಂಗಾಟ ಹಿಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದೀನಿ? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರ? ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬರ್ರಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಹಚ ಚುಕಾ ನೆಸರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾದಾಮಿ 120 किलोमीटर शायद है भाई। यहाँ से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं, कब तक पहुँचेंगे यार बादामी? आज कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। फाइनली लिफ्ट मिल चुका है, जा रहा हूँ अभी बादामी और यहाँ पे अन्ना लोग बैठे हुए हैं। हाई मरी अन्ना, हाई मरी, हाई मरी अन्ना, इधर एक अन्ना है, इधर है